खरगोन जिले के बिस्टान थाना क्षेत्र के बनहेर तराहे पर बीती रात करीब 10 बजे एक युवक को गोली मारकर फरार दो युवकों को पुलिस ने चंद घंटों में ही पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 21 मार्च की रात बनहेर तराहे पर एक बोलेरो वाहन आकर रुकी। वाहन के आगे बड़े अक्षरों में सरपंच भी लिखा था। इसमें सवार युवक पास में रहे अंडे के ठेले पर पहुंचा, जहां दो युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। ये देख नगर का निवासी विनय सुरेश जायसवाल उन्हें समझाइश देने लगा, जिससे गुस्साए युवक ने अपने बोलेरो वाहन से पिस्टल निकाली और विनय को जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। इसके बाद दोनों वाहन लेकर फरार हो गए। इसकी सतीश शिवराम पाटिल निवासी नवलपुरा ने बिस्टान थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी, जिस पर दो आरोपी गिरफ्तार किए गए। रात 10:15 के आसपास बिस्टान तिराहे पे अंडे के ठेले पर एक विवाद हुआ, जिसमें अंडे देने की बात पर से पहले वो ठेले वाले से विवाद हुआ। विनय जायसवाल वहाँ पे खड़ा था तो उससे फिर विवाद हुआ। एक बोलेरो में दो लोग सवार थे, उनके मध्य वाद विवाद की स्थिति जब बढ़ गई तो बोलेरो में बैठकर ही एक व्यक्ति ने उसमें एक फायर किया, जो विनय जायसवाल के बांह में लगी और मौके पे पुलिस तत्कालिक पहुंच गई और पुलिस को ये ज्ञात हुआ कि ये हैला प्रवाह की तरफ भागी है। तो उधर चेकिंग हम लोगों ने चारों तरफ लगाया था और RSSP और SDOP TI सभी लोग क्षेत्र पर सर्चिंग शुरू कर दी और हेला प्रवाह पर सफलता मिली। जब वहाँ पे एक बोलेरो तेजी से आती दिखी तो स्टॉपर्स लगा के वहाँ के चौकी प्रभारी ने रोका। उन दोनों व्यक्तियों से जब पूछताछ की तो उन्होंने घटना घटित करने में स्वीकार किया और उनके पास से जो कट्टा था जिससे फायर हुआ था वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये दोनों व्यक्ति जो हैं खरगोन जिले से बाहर के हैं, एक धार का एक अलीराजपुर का, और ये दोनों ने बताया कि वो शिवा बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे और अचानक ही वहाँ बिस्टान पे अंडे थैले पे वो शराब पी के वहाँ पे अंडे खरीदने आए थे। वाद विवाद होने की स्थिति में लोगों ने फायर करके घटना घटित की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, कट्टा भी जब्त कर लिया, आगे की हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, उसमें कोई जनप्रतिनिधि भी है? गाड़ी में सरपंच लिखा हुआ था जी, वो बताया गया कि धार में सरपंच से कोई रिश्तेदार है, बाकी संबंध हम तस्दीक कर रहे हैं। खरगोन से प्रदीप खेड़े की रिपोर्ट।